हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी नोटिफिकेशन आप जो है स्मार्ट टीवी की होम स्क्रीन पर कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी में ऐप सेक्शन में आना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर से एप्टॉयड टीवी को ओपन करना है। अगर दोस्तों आपके पास एप्टॉयड टीवी एप्लीकेशन नहीं है तो इसका वीडियो मैं बनाए हूँ ऑलरेडी, इसकी लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं एप्टॉयड टीवी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एप्टॉयड टीवी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है स्क्रीन रिकॉर्डर। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको सर्च करने के बाद आप इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऑल रिजल्ट में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी मोर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर, ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर आपको इंस्टॉल कर देना है आपके स्मार्ट टीवी में। तो अभी यहाँ पर इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया है। अभी आपको यहां पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, तो अभी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, आपको यहां से इसको ओपन नहीं करना है। उसके बाद आपको यहां पर ऑल बैक करना है, फिर आपको जो है यहाँ पर प्ले स्टोर में आना है, प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक कर इसको ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करना है, इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में, साइड लोडर लॉन्चर। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर ऐप्स के सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन शो हो रहा है, तो आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर शो हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर एक बार बैक आकर बताऊँगा, यहाँ पर एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के ऐप सेक्शन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर शो नहीं होगा, तो आपको इसलिए ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप इसको ओपन कीजिए, फिर आपको जो है यहाँ पर ये एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी एक ब्लूटूथ माउस को कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पर ये ब्लूटूथ का रिमोट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। आप जो है ब्लूटूथ का माउस भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कंपलसरी ब्लूटूथ माउस यूज़ करना है, नहीं तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ नहीं होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर गॉट इट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो अभी यहाँ पर बैक आते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में होम स्क्रीन पर ये स्क्रीन रिकॉर्डर का जो आइकन है आप उसको शो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको जो है यहाँ पर स्मार्ट टीवी के सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऐप सेक्शन में आना है, फिर आपको जो है दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेशल ऐप्स एक्सेस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर यूसेज एक्सेस यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद एप्टॉयड टीवी को टर्न ऑन कीजिए यहाँ से। उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को भी यहाँ से टर्न ऑन करना है। उसके बाद आप जो है बैक आइए। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले ओवर द ऐप्स इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है टर्न ऑन कर देना है। यहाँ पर से आप इजीली देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप जो है यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है ओपन कीजिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में होम स्क्रीन पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डर का आइकन शो हो रहा है। तो आप यहां पर से इजीली वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड यहां पर स्टार्ट हो गया है। तो आपको यहां पर काउंटडाउन भी शो हो रहा है। इस तरीके से आप जो है बहुत ही ईजिली एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको इसको पॉज करना है तो आप यहाँ पर से साइड में इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो शो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पर से क्लोज़ कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर को यूज़ करना है। आप जो है कौन सा भी एक फाइल मैनेजर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मूवीज़ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैंने जो भी टीवी में स्क्रीन रिकॉर्ड किया था वीडियो, यहाँ पर वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही ईजिली
एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में स्क्रीन रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको क्लोज कर देना है तो दोस्तों आप यहाँ पर होल्ड कीजिए, इसको होल्ड कर यहाँ पर इस तरीके से मूव कीजिए, उसके बाद यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डर क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।